हेलो फ्रेंड्स, टॉप रिपोर्टर में आप सबका स्वागत है। मैं दीप्ति कैमरामैन विकास के साथ आज हुनर वेलफेयर सोसाइटी में आई हूँ, जहाँ PMKVY का कोर्स चल रहा है और मैंने सुना है आज यहाँ पे प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो चलिए अंदर स्टाफ से मिलते हैं और पता करते हैं यहाँ क्या क्या चल रहा है। आइए, तो आइए अंदर चलते हैं। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाय दीप्ति, कैसी हो? आई एम ऑल्सो गुड। मैम, आप हुनर वेलफेयर सोसाइटी के बारे में हमें कुछ बताएंगी? जी ज़रूर। मैं शहनाज यहाँ की काउंसलर हूँ, बच्चों की काउंसलिंग करती हूँ और आपको हुनर वेलफेयर सोसाइटी में क्या प्रोग्राम चल रहा है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हुनर वेलफेयर सोसाइटी में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ से बच्चों को हम प्लेसमेंट भी देते हैं। हाय। हेलो, आपका नेम क्या है? मैं प्रिया हूँ। ओके प्रिया, तो आप यहाँ पे क्या करती हो? मैं यहाँ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा, तो आप मुझे बता सकती हैं कि आपने कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंपनी में बच्चों का प्लेस करवाया है, बच्चों को प्लेस करवाया है? हमने जियो डिजिटल, सैमसंग, श्रीराम ज्वेलर्स, रेनॉल्ट, यूरेका फॉर्ब्स, इधर अपने स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट कराया है। ओके, आपने काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेस करवाया है बच्चों को, दैट्स गुड। तो आज यहाँ पे प्लेसमेंट कंपनी आई है, आप हमें प्लेसमेंट कौन सी प्लेसमेंट कंपनी आई है आज आप ये बता सकती हैं? एक्चुअली हम स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करवाते हैं, तो हमारा एक सेक्टर है रिटेल, तो आज हमने रिटेल सेक्टर को टारगेट करते हुए अपने यहाँ सुमित बाज़ार को एस प्लेसमेंट कैंप बुलाया है। ओके, तो आप यहाँ पे बच्चों को स्पेशल क्या कोई ट्रेनिंग देती हैं कि वो बच्चे जाके बिग बाज़ार में काम कर सकें अच्छे से? हम अपने बच्चों को थ्योरेटिकल ट्रेनिंग के साथ साथ उनको हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं, तो हम अपने कैंडिडेट्स का ऑन द जॉब ट्रेनिंग करवाते हैं। हमने अभी करेंटली बिग बाज़ार में अपने कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग करवाई है। ओके, दैट्स गुड। तो यहाँ पे क्या चल रहा है अभी? अभी यहाँ हमारे यहाँ सुमित बाज़ार की प्लेसमेंट कैंप है, तो वही कैंडिडेट्स अभी इंटरव्यू दे रहे हैं उसके लिए। ओके, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट था आज और सुमित बाज़ार से प्लेसमेंट के लिए आए हुए थे, तो चलिए हम उनके HR से पूछते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स का कैसा रिस्पॉन्स था। गुड आफ्टरनून सर। सर, आपने इंटरव्यू लिया तो यहाँ के बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा था? एक्चुअली मैम, मेरा इंटरव्यू लेते तो वैसे बहुत साल हो गए, लेकिन कौशल विकास के तहत जो आज मैंने पहली बार ऐसा इंटरव्यू लिया कि जहाँ के बच्चे मुझे रियली ट्रेंड मिले, मतलब जितना भी उनको बेसिक ट्रेनिंग दी गई है चाहे वो जिस भी फील्ड से हो, उसका उन्होंने प्रॉपरली मुझे आंसर किया और मुझे ऐसा फील हुआ कि यस, वो डिज़र्व करते हैं उस चीज़ को। ओके, जैसे आप स्टूडेंट्स में कैसी क्वालिटीज़ ढूंढते हैं, क्या स्किल्स देखते हैं बाकी स्टूडेंट्स में? जैसे आप इंटरव्यू लेने जाते हैं तो आपका मेन स्किल, मतलब कौन से स्किल्स पर फोकस रहता है आपका? एक्चुअली स्किल्स जो है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। सपोज टू बी अगर मैं कंप्यूटर ऑपरेटर ढूंढ रहा हूँ या फिर एक सेल्स फील्ड से ढूंढ रहा हूँ, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा कि उसको कंप्यूटर का कितना नॉलेज है। दूसरी चीज़ स्किल सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो वर्क कल्चर को किस तरह अडॉप्ट कर पाता है, आपने मतलब वो ट्रेन कैसा है, वो एक्स्ट्रोवर्ट है, टॉकेटिव है कि नहीं, शायद तो नहीं है थोड़ा, तो सारी चीज़ें हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि वो किस तरीके से सारी चीज़ों को डील कर रहा है। हम उससे कुछ ना कुछ स्क्रीनिंग करते हैं, उससे क्वेश्चन करते हैं, उसका वो जवाब किस तरह दे रहा है हमको। okay. सारी चीज़ों में वो होता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आइए इनसे भी हम बात करते हैं। तो आप यहाँ के स्टूडेंट्स हैं? जी हाँ। कौन से सेक्टर में आपने यहाँ से ट्रेनिंग ली है? रिटेल सेक्टर से। ओके, तो रिटेल के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? रिटेल में कस्टमर से कैसे डील किया जाता है, उन्हें कैसे सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, उस बारे में डिटेल में बताया जाता है रिटेल। ओके, तो आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं या कि आप अभी रनिंग है क्या? हो चुके हैं। ओके, तो आप यहाँ पे बेसिकली आज प्लेसमेंट के लिए आए हैं? जी। तो आपका इंटरव्यू हो गया? नहीं। ओके, सो यू आर वेटिंग फॉर योर इंटरव्यू? यस। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर योर इंटरव्यू, थैंक यू। अब हम चलते हैं डायरेक्टर के पास और जानते हैं हुनर वेलफेयर सोसाइटी के बारे में कि उनका क्या कहना है, वो क्या बच्चों को क्या बताना चाहेंगे हुनर वेलफेयर सोसाइटी के बारे में। तो ये यहाँ के डायरेक्टर्स हैं, सौरभ सर एंड आनंद सर। तो अब इनसे हम हुनर वेलफेयर सोसाइटी के बारे में और जानकारी लेते हैं। सर, ये जो हुनर वेलफेयर सोसाइटी है, जो भी संस्था है, इसके बारे में आप हमें कुछ जानकारी दीजिए। हुनर वेलफेयर सोसाइटी, ये जो हमारी सोसाइटी है, ये इनकॉर्पोरेट हुई है 2015 में, और 2015 में इनकॉर्पोरेशन के बाद हम हमारी सोसाइटी के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं। स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग पे फोकस करने का एक रीज़न ये है बिकॉज आज की डेट में हम यूथ को देख रहे हैं, क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइड होने के बाद भी देर इज़ शॉर्टेज ऑफ जॉब्स,
ठीक है, और जॉब नहीं मिलने या फ्रस्ट्रेशन का एक ही रीज़न है, दैट इज स्किल। कोई भी व्यक्ति क्वालिफिकेशन कितना भी हो बट स्किल्ड होना ये कंपलसरी नहीं होता। सो हम इसलिए स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं जब से हमारा इनकॉर्पोरेशन हुआ है इसलिए। ओके, तो आप यहाँ पे कौन कौन से सेक्टर्स में बच्चों का स्किल डेवलपमेंट करते हैं? हम यहाँ पर तीन सेक्टर्स में स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट इज रिटेल, एक दूसरा है लॉजिस्टिक्स और थर्ड सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी करवाते हैं? हाँ जी, प्लेसमेंट्स कराते हैं, बिकॉज देखिए स्किल डेवलपमेंट का लास्ट आउटकम इज प्लेसमेंट। बिकॉज देखिए आप स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग कराएंगे फिर उसके बाद प्लेसमेंट ना कराएं, ये तो मतलब एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। बिकॉज स्किल डेवलप होने के बाद बच्चा एक कैपेबिलिटी या उसमें कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट कर सके, एज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इसलिए हम उनको प्रोवाइड करते ही हैं। तो आपका हुनर वेलफेयर सोसाइटी के पीछे मेन मोटिव यही है कि आप बच्चों को प्लेस करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिलवाएं, राइट? एग्जैक्टली, हम एम्प्लॉयमेंट और साथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी फोकस करते हैं। बिकॉज देखिए स्किल डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है, स्किल्स होना, लाइक स्किल्स में बहुत सारी स्किल्स आती हैं, एज इन जो हम बेसिक स्किल्स देखते हैं लाइफ में, चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप खुद का बिजनेस करो या कुछ भी करो, तो दैट रिक्वायर्स इज कम्युनिकेशन स्किल्स, जो एक कॉमन चीज़ होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। कंप्यूटर नॉलेज, ये जो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। सो ये करने के बाद हम उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, यहाँ पे जो 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, हम उनके बाद ये कंप्लीशन के बाद सक्सेसफुली अगर एक कैंडिडेट सर्टिफाइड हो जाता है, उसके बाद हम उनको प्रोवाइड करते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो अपने आप को पर्टिकुलर किसी जॉब रोल के लिए अपने आप को ग्रोथ उसमें देख सके या उसमें फिट कर सके। ओके सर, आप हमें बताइए प्लेसमेंट आप बेसिकली कैसे ऑर्गेनाइज करवाते हैं? पहले तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स का यहाँ पे एजुकेशन पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर हम लोग उनको प्लेसमेंट कैंप के लिए ऑर्गेनाइज कराने के लिए अलग अलग कंपनीज में बात करते हैं। फिर जैसे कि अभी आप देखेंगे यहाँ पे आज सुमित बाज़ार आया हुआ है, ऐसे ही हम लोग पहले स्टूडेंट्स का पूरा पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, कौन कौन स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, किस किस को जॉब रिक्वायरमेंट है, वैसे वैसे फिर हम लोग उन लोगों को आगे के लिए मोटिवेट करते हैं और फिर यहाँ से प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। अच्छा, तो जैसे कि यहाँ पे सेक्टर्स है इलेक्ट्रॉनिक, लॉजिस्टिक और रिटेल, तो आप बेसिकली इन्हीं सेक्टर्स में प्लेसमेंट करवाते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस में है। स्टूडेंट का इंटरेस्ट जिसमें होता है उसमें फिर हम लोग उनको प्लेस करवाते हैं। ओके सर, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कितने ट्रेनर्स हैं, आपने कितने ट्रेनर्स रखे अलग अलग सेक्टर्स के लिए? हाँ जी, हमने ओवरऑल 6 ट्रेनर्स रखे हैं, हर सेक्टर के लिए 2 ट्रेनर्स हैं और सभी सर्टिफाइड हैं। बिकॉज सर्टिफिकेशन कराना हर ट्रेनर का बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सर्टिफाइड ट्रेनर से मतलब ये होता है कि पहले उनकी ट्रेनिंग होती है, देन दे गेट सर्टिफाइड, बिकॉज उनके एग्जामिनेशन होते हैं, तो वो पास करते हैं, फिर उसके बाद हम उन ट्रेनर्स को अपॉइंट करते हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग कराते हैं। सर, यहाँ पे स्टूडेंट्स को मतलब जो भी स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं तो उसमें आप कुछ चेंजेस देखते हैं, जैसे कि वो आते हैं यहाँ पे उस टाइम वो कैसे होते हैं और जब यहाँ से निकलते हैं 3 महीने बाद, 3 महीने का शायद ये कोर्स रहता है, तो वो जब निकलते हैं तो उनमें क्या चेंजेस रहते हैं, आपने नोटिस किया है ये? हाँ, इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको हम लोगों ने नोटिस किया, स्टार्टिंग में आते हैं सिंसियर नहीं रहते, थोड़ा बदमाशी रहती है, बट लाइफ को लेकर धीरे धीरे करके वो सिंसियर हो जाते हैं। 3 मंथ्स काफ़ी बड़ा ड्यूरेशन हो जाता है, भले ही शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है बट उनके हिसाब से फिर वो धीरे धीरे करके लाइफ को सीखने लगते हैं, यहाँ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो शेयर होते हैं वो उन लोग ग्रूम करते हैं, अपने में लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो लाइफ को सिंसियर वे में लेना स्टार्ट करते हैं, चेंजेस मिलता है। ओके, मतलब बच्चों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, उसके बाद ये लोग प्लेस करते हैं तो वो लोग बहुत जल्दी से प्लेस भी हो जाते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी स्किल्स डेवलप हो जाते हैं बच्चों में। सर, अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ये लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अगर आप स्किल्स से रिलेटेड कोई स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे तो आप वो मैसेज क्या देना चाहेंगे? स्किल से रिलेटेड मुझे मैसेज जो देना है स्टूडेंट्स को, वो सिंपल सा ये है कि इट इज़ नॉट अबाउट थियरी नॉलेज, थेरेटिकल नॉलेज हम सबको मिलता ही है, बट इट इज़ मोर अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज। जिस हिसाब से हमारा कंट्री ग्रो कर रही है, जिस हिसाब से वर्ल्ड ग्रो कर रहा है, जिस हिसाब से इंडिया डिजिटाइज हो रहा है, जिस हिसाब से जो जितनी भी फैसिलिटीज़ अपग्रेड हो रही हैं, उस हिसाब से आज की डेट में स्किल्ड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक उसका प्रैक्टिकल नॉलेज
या हम सर्वाइव कैसे करें उसके लिए स्किल्ड होना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेरा मैसेज यही है कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ना लो, आप कुछ स्किल्स सीखो, कुछ कौशल प्रशिक्षण करके कुछ ऐसी चीज़ें सीखो जिससे आप प्रैक्टिकली उस आउटवर्ल्ड में सर्वाइव कर सको और जो डिजिटाइज हो रही चीज़ें जो फॉरवर्ड बढ़ रही हैं आगे चल रही हैं चीज़ें उनके हिसाब से अडाप्ट होकर आप आगे बढ़ते जाओ. क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कम्पेयर टू थ्योरेटिकल. थ्योरेटिकल तो हर जगह होती है बट जब तक कि प्रैक्टिकल अगर वो नहीं करेगा तो वो अपने आप को ग्रूम कैसे कर पाएगा. ओके, जैसे कि हम स्कूल कॉलेजेस में हमें जो भी थ्योरी नॉलेज ज़्यादा मिलती है तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपके अंदर स्किल्स डेवलप होंगे और जो कि आजकल के ज़माने में स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्किल्स के ऊपर ही आपको जॉब भी मिलता है. यहाँ तक अब जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ भी 80% आपका सॉफ्ट स्किल्स मांगता है और 20% ही आपका टेक्निकल स्किल मांगता है. सौरभ सर एंड आनंद सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला और हमको हुनर वेलफेयर सोसाइटी के बारे में इतना कुछ बताया, उसके लिए थैंक यू सो मच और हैव अ नाइस डे. थैंक यू. तो अभी हमने डायरेक्टर से बात की और जैसा वो मैसेज देना चाहते हैं वैसा ही मैं भी मैसेज देना चाहती हूँ आपको कि प्लीज़ एक बार आप हुनर वेलफेयर सोसाइटी आइए और एक बार सोसाइटी को अच्छे से हुनर वेलफेयर सोसाइटी को अच्छे से देखिए और अपना पंजीयन कराइए और यहाँ से स्किल्स डेवलप करके जाइए. क्योंकि हम कॉलेज और स्कूलों में थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं बट स्किल्स के लिए हमें यहाँ आना चाहिए एक बार, जो कि फ्री है, आपको कोई फीस नहीं देना पड़ रहा है. तो आप आइए और स्किल्स डेवलप कीजिए और साथ ही साथ अगर आप प्लेसमेंट करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से प्लेसमेंट भी मिल रही है. थैंक यू.